नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, मेरे कलेक्शन में 1000 रुपये का कॉइन भी है। आज हम उस 1000 रुपये की कॉइन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। RBI ने अब तक सिर्फ 2 1000 रुपये का सिक्का जारी किया है, जिसमें से अभी मेरे पास में सिर्फ एक तरह का 1000 रुपये का सिक्का है। ये सिक्का 2015 में इशू किया गया था। ये 1000 रुपये का सिक्का कॉमेमोरेटिव कॉइन था और ये एक 1000 रुपये और 10 रुपये के सिक्के के सेट में जारी किया गया था। ये दोनों सिक्के श्री जगन्नाथ नवकलेबर उत्सव 2015 के उपलक्ष में इशू किया गया था। दोनों ही सिक्के के पिछले भाग में श्री जगन्नाथ की तस्वीर बनी हुई थी और आगे की तरफ 1000 और 10 रुपये क्रमशः लिखे हुए थे और अशोक स्तंभ भी बना हुआ था, इंडिया और भारत लिखा हुआ था। ये नवकलेबर फेस्टिवल 2015 में हुआ था। नवकलेबर दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, नव मतलब नया और कलेबर मतलब शरीर। श्री जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और हिंदुओं के सारे ईश्वरों में से सिर्फ श्री जगन्नाथ ही ऐसे ईश्वर हैं जो कुछ वर्षों के अंतराल में अपना शरीर बदलते रहते हैं। श्री जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा के पावन नगरी पुरी में स्थित है। नवकलेबर 12 से 19 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, जब किसी एक साल में आषाढ़ का महीना दो बार आता है। जो कॉइन कलेक्शन करते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि ये दोनों कॉमेमोरेटिव कॉइन्स एक साथ में ही रखें। जो 10 रुपये का सिक्का है, ये एक बायोमेटलिक कॉइन है। सेंटर में कॉपर निकल है और रिंग में एल्युमिनियम ब्रॉन्ज और निकल है। वेट में ये 7.71 ग्राम्स का है, डायमीटर 27 mm और थिकनेस 1.8 mm का है। 1000 रुपये के सिक्के में सिल्वर यानी चांदी की मात्रा 80% है और कॉपर 20% यानी 20% है। वेट में ये 35 ग्राम्स का है, डायमीटर में 44 mm और इसकी थिकनेस 3.5 mm की है। तो दोस्तों, हालांकि मेरे पास में स्वतंत्रता के पूर्व के भी कुछ सिक्के मौजूद हैं, पर मेरे कलेक्शन के सिक्कों की वीडियो की श्रृंखला मैं इसी वीडियो के साथ समाप्त करूंगा। स्वतंत्रता के पूर्व के सिक्कों की वीडियो कुछ समय पश्चात आपको पेश करूंगा। मेरे कलेक्शन के सिक्कों के वीडियो की श्रृंखला के बाद मैं आपको मेरे दूसरे कलेक्शन हॉबी के बारे में बताऊंगा, जो कि नोटाफिली है। नोटाफिली न्यूमिस्मैटिक का ही एक अंग है, जिसमें सिक्कों के बजाय करेंसी नोटों का संग्रह किया जाता है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम मेरे कलेक्शन के नोटों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।